हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बनाएंगे मिक्स्ड वेज के पूरी। मिक्स्ड वेज पूरी बनाने के लिए यहाँ पर बॉयल किया हुआ पोटैटो, बॉयल किया हुआ गाजर, मटर, ग्रीन मटर और बीन्स लिए हैं। कुछ यहाँ इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। बॉयल किया हुआ लेंगे क्योंकि मैश करने में इसको आसानी होगा। इसको मैश कर लेंगे, मैश करके पहले रेडी कर लेंगे। वेजिटेबल मैश होने के बाद इसमें डालेंगे सॉल्ट, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर काली मिर्च डालेंगे, गोलकी पाउडर, और डालेंगे थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर, जीरा पाउडर। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। सबको पहले अच्छे से मिला लेंगे। यह मैंने एक कप मैदा और एक कप गेहूं के आटा लिए हैं, दोनों को मिक्स करके इसमें डालेंगे। जो वेजिटेबल मिक्स करके रखे थे उसमें इसको डालेंगे, एक साथ इसको अच्छे से इसके साथ एक साथ मिक्स करेंगे। धीरे धीरे मिक्स करते रहेंगे और वेजिटेबल में कोई ग्लूटेन ना रहे। जैसे मोटा दाना है गया था उसको ऐसे मैश करके इसको चिकना कर लेंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसके साथ अच्छे से पानी अभी नहीं डालेंगे क्योंकि वेजिटेबल में थोड़ा सा पानी रहता है। आटा को पहले गूंथ लेंगे। यह आटा थोड़ा सूखा सूखा दिख रहा है तो इसमें थोड़ा सा ऑयल का मोयन देंगे, वेजिटेबल ऑयल का। उसमें थोड़ा सा तेल डाल के इसको गूंथेंगे ताकि ये पूरा जो सूखा है पूरा इसके साथ मिक्स्ड हो जाए। आटा गूंथ के मेरा रेडी हो गया है। यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच वेजिटेबल ऑयल ऐड किए हैं। इसको पूरा गूंथने में 2 बड़े चम्मच वेजिटेबल ऑयल मेरा ज़रूरत पड़ा है। इसको आप पूरी जैसे बेल लेंगे। ऐसे पूरी बन के तैयार कर लिए हैं। अब इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। इस तरह सब पूरी बनके तैयार कर लेंगे। पूरी बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है, बहुत टेस्टी भी होता है। जो बच्चे सब्जी खाने में नखरा करते हैं उसको इस तरह टिफिन में बना के आसानी से दे सकते हैं। इस तरह बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। अपना मनपसंद सब्जी इसमें डाल सकते हैं। इस तरह सब पूरी बन के तैयार कर लिए हैं। बहुत टेस्टी होता है और सब्जी भी इसमें इस्तेमाल होता है तो इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरह टिफिन में, नाश्ते में, ऐसे डिनर में भी इसको आसानी से बना के हम ले सकते हैं। इसको ऐसे भी खाया जा सकता है या तो फिर सॉस या कोई चटनी के साथ भी लिया जा सकता है, या तो अपना मनपसंद आलू मटर की सब्जी या कुछ भी अपना हिसाब से आप इससे कोई सब्जी के साथ भी इसको ले सकते हैं।